हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर कोलांचल के सियाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शारदीय नवरात्रि के छठे दिन है। इस अवसर पर रविंद्र कुमार एवं बरकासाल के महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह के द्वारा सियाल पूजा पंडाल में फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर पंडाल का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों भक्त शामिल हुए। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गे के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग के फूल वस्त्र अर्पित करें। उन्हें शहद से बनी मिठाई का भोग लगाए गए। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी अपने ऊपर वाले हाथों में तलवार धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल रहता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष भी मिलता है। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। कथा को संदेश है, गुरु माई की पूजा करते हो, माता दुर्गा की, तो माता दुर्गा की बीए किसमें हुई थी? सत असत पर सत की बीए। बस इसके लिए समाज में समानता है, एकता है, नफरत घृणा सब उठा लिया कल, और समाज में शांति व्यवस्था कायम है। हमारे बड़का सियाल क्षेत्र के यहाँ सियाल के प्रांगण में माँ दुर्गा का आज हम लोग षष्ठी के रोज एक उद्घाटन किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस उद्घाटन समारोह में हमारे क्षेत्र के मसीहा, हमारे क्षेत्र के गार्जियन, हमारे रविंद्र कुमार साहब, जो कि पूरे क्षेत्र को और पूरे सीसीएल और कोल इंडिया क्षेत्र के एक नामी व्यक्ति, उन्होंने आज उद्घाटन किया और हम लोग का सौभाग्य रहा कि हम लोग उनके साथ रहें। और इस शुभ अवसर पर मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि क्षेत्र के सभी लोगों का कल्याण करें, सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें और क्षेत्र हमारा और उन्नति करे और धीरे धीरे उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। मैं अपने तरफ से सबों को इस त्यौहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई।